केंद्रीय कुशवाहा समाज करणपुरा क्षेत्र का पुनर्गठन चुनाव संपन्न। लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बने सोहनलाल मेहता, सचिव गिन्नी वर्मा एवं लगातार तीसरी बार कोषाध्यक्ष बने सबूर महतो। बड़कागांव केंद्रीय कुशवाहा समाज करणपुरा क्षेत्र बड़कागांव की पुनर्गठन चुनाव हरली विवाह मंडप में आयोजित किया गया। चुनाव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के पूर्व उत्कृष्ट विधायक लोकनाथ महतो की अध्यक्षता एवं चुनाव आयोग अध्यक्ष पूर्व मुखिया महेंद्र महतो की देखरेख में संपन्न हुआ। चुनावी कार्यक्रम का संचालन पंचायत समिति सदस्य उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा एवं केशवनाथ के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड के सभी कुशवाहा मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया प्रतिनिधिगण एवं प्रबुद्ध समाज से भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं भगवान बुद्ध के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम 33 गांव से नव चयनित 108 ग्राम प्रतिनिधियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद पूर्व विधायक लोकनाथ महतो के द्वारा पद व शपथ ग्रहण करवाया गया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मौके पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, बड़कागांव मध्य जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी, पूर्व प्रमुख टुकेश्वर प्रसाद, मुखिया संघ अध्यक्ष रंजीत मेहता, चुनाव आयोग अध्यक्ष महेंद्र महतो, उप प्रमुख वचनदेव कुमार, मुखिया पारसनाथ महतो, जयनारायण प्रसाद, डॉक्टर बालेश्वर महतो, प्रोफेसर लालदेव महतो, मुकुटधारी महतो, राम सेवक मुखिया सुलेखा कुमारी, विशेश्वर महतो, पंचायत समिति रमनिका कुमारी, कौशल्या देवी, कृतिनाथ महतो, उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा, मुखिया प्रतिनिधि अजीत प्रसाद, संजय महतो, बालेश्वर महतो, केदार महतो, श्रीकांत निराला, अशोक महतो, कार्तिक महतो, खेमलाल महतो, ज्ञानचंद कुमार उर्फ ज्ञानी, बासमती कुमारी, रेखा कुमारी, सुरेश महतो समेत काफ़ी संख्या में प्रखंड के कुशवाहा बंधु उपस्थित थे। हजारीबाग डेस्क की रिपोर्ट। अब केंद्रीय कुशवाहा समाज के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं, इसको लेकर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज सबसे पहले जनता ने जो हमें भारी बहुमत देकर के हमें जिताने का काम किया है। यह मेरी तीसरी जीत है लगातार, और पहली बार मैं वोट से आया था, बीच में मुझे 3 साल के लिए निर्विरोध किया गया था, और पुनः यह आज मैं जो जीत जो मैं दर्ज किया हूँ, ये जनता का प्यार और स्नेह मुझे मिला है और मेरे कार्यों का मूल्य मुझे मिला है। मैं बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्वक समाज को संगठित करने में, समाज की सारी बुराई को दूर करने में ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन किया हूँ, उसी का आज यह प्रतिफल है। और आने वाले दिन में इससे भी बेहतर मैं सामाजिक संगठन को सशक्त और मजबूत करूँगा और एक अच्छा दिशा निर्देश समाज को देने का काम करूँगा और समाज व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास करूँगा। अपने सारे सहयोगी साथियों के साथ मिलकर मैं समाज की सारी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद मैडम। आप केंद्रीय कुशवाहा समाज के सचिव पद के लिए मनोनीत किए गए हैं, इसको लेकर संदेश क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले मेरा जोहार। सचिव पद के लिए जो हम लोग चयनित हुए हैं, इससे मेरा संदेश जाता है कि मैं अपने समाज को हमेशा सेवा के भावना से अग्रसित रहूंगी, और जो सेवा किए हैं मैंने उसी का समाज अभी सभी लोग मिलकर जो नए सदस्य के रूप में जो चयनित हुए हैं, सचिव के रूप में जो हम लोगों को चुने हैं, उसके लिए वो हमसे आशा उम्मीद जो रखे हैं उस पर मैं खड़ा उतरने का प्रयास करूँगी, हमेशा समाज को आगे ले जाने के लिए अग्रसित रहूँगी। क्योंकि इतिहास पढ़ना बहुत अच्छी बातें हैं, और इतिहास का विषय पढ़ना उससे भी अच्छी बातें हैं। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग कुछ अच्छे कर्मों की वजह से समाज में अच्छा कर्म करेंगे, जिससे हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। केंद्रीय कुशवाहा समाज के कोषाध्यक्ष चुने गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? मैं कुशवाहा समाज का कोषाध्यक्ष हूँ और मैं 3400 गांव का कोषाध्यक्ष हूँ, और मैं जानता था कि मैं ईमानदार हूँ, पर हमसे ज़्यादा हम ईमानदार हैं, पर 3400 गांव के जनता महा ईमानदार है और महा ईमानदारी के साथ हमें चुने हैं। मैं जथा हमारे तरफ से होगा, मैं बिल्कुल सत्य और सत्य काम करने का कष्ट करेंगे।